2022 ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાવાની છે, પડગમ વાગી રહ્યા છે ત્યારે રાજકીય પક્ષોમાં ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે। મહત્વના સમાચારની વાત કરવામાં આવે તો ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી પણ હવે ઠેર ઠેર જિલ્લાવાઇઝ મુલાકાતો કરી રહ્યા છે, પ્રદેશવાઇઝ મુલાકાત કરી રહ્યા છે। અરવલ્લી જિલ્લાની મુલાકાત કરવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ ગાંધીનગર જિલ્લાના માણસા ખાતે, अरवली जिल्लाना बायड खाते विविध कार्यक्रमों लोकार्पण तेमज समीक्षा बैठक अने लोकोना प्रश्नों की चर्चा करवामां आवी रही। पदाधिकारीओना अधिकारीओ साथे बैठकनो दौर शुरू करी देवामां आव्यो छे। त्यारे महत्वना समाचारनी वात करवामां आवे तो बनासकांठा जिल्लामां पण गुजरातना मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल पहोंच्या हता थराद खाते। थरादमां गया त्यारबाद थरादमां भारतमाला अंतर्गत 6 लाइन हाईवेनुं निरीक्षण करवामां आव्युं हतुं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकारीओ साथे भारतमाला प्रोजेक्ट ने लईने कर्युं निरीक्षण करवामां आव्युं। थरादमां मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल द्वारा विविध प्रोजेक्टोनुं पण निरीक्षण करशे। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल भारतमाला प्रोजेक्ट निरीक्षण कर्या बाद पहोंच्या खेंगारपुर। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल थरादना खेंगारपुर पहोंच्या हता। खेंगारपुरमां चाली रहेला पाणी पुरवठा योजनानुं मुख्यमंत्रीए कर्युं निरीक्षण। पाणी पुरवठानी सीपूजूत सुधारणा योजना 241.35 करोड़ कामनु मुख्यमंत्रीए करी समीक्षा। मुख्यमंत्रीनी साथे बनासकांठाना सांसद परबतभाई पटेल, भाजपना महामंत्री रजनी पटेल सहित पाणी पुरवठाना अधिकारीओ पण उपस्थित रह्या हता। आम बेठकनो दौर शरू थई गयो छे। गुजरातमां आवनार 2022 नी चूंटणीओने लईने जाणे के हवे पूर्व तैयारीओ थई रही होय ते प्रमाणे संकलन अने संगठनने मजबूत करवा माटे मुख्यमंत्री पण ठेर ठेर मुलाकातो करी रह्या छे। भारतमाला परियोजना अंतर्गत अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कोरिडोरनो सांचोर सांतलपुरना 125 किलोमीटरना मार्गने 6 लेन निर्माण कामगीरीनुं स्थळ निरीक्षण पण मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले कर्युं हतुं। बनासकांठा जिल्लाना थराद तालुकामां मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेले भारत सरकारनी भारतमाला परियोजना अंतर्गत राजस्थानना सांचोरथी गुजरातना पाटण जिल्लाना सांतलपुर मार्गना 6 लेन रूपांतरण कामगीरीनुं निरीक्षण मुलाकात करी हती। बनासकांठा थराद खाते लीधी हती। आ मुलाकात नेशनल हाइवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया अंदाज 125 किलोमीटरनी लंबाईनो आ मार्ग ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस तरीके 6 लेन रोड द्वारा निर्माण करवामां आवी रह्यो छे। केंद्र सरकारना सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा भारतमाला परियोजना अन्वये अमृतसर जामनगर वच्चे आश्रे 1256 किलोमीटरनो इकोनॉमिक कोरिडोर निर्माण थवानो छे। आ संचोर सांतलपुर वच्चेनो 125 किलोमीटर मार्ग इकोनॉमिक कोरिडोरनो एक महत्वपूर्ण भाग तरीके 4 पैकेजमां कुल 2030.44 करोड़ना खर्चे विकसाववामां आवी रह्यो छे, जेनुं निरीक्षण करवामां आव्युं हतुं। प्रत्येक पैकेजमां 30 किलोमीटरना मार्गे अंदाज 500 करोड़ रूपियानो खर्च 6 लेन तरीके कार्यरत करवानी कामगीरी नेशनल हाईवे ऑथोरिटी द्वारा तबक्कावार हाथ धरीने 2023 में पूर्ण थવાનો अंदाज राखवामां આવ્યો છે। भारतमाला प्रोजेक्टनो उद्देश्य देशना उत्तर क्षेत्रना राज्यों प्रदेशोनी पूर्व क्षेत्रना विस्तारों साथे कनेक्टिविटी વધારવાની છે। એટલું જ નહીં, જામનગર, કંડલા અને મુન્દ્રા જેવા પોર્ટ્સ પરથી उत्तर क्षेत्र राज्य प्रदेशों ने विविध उत्पादनों ने आयात निकास की वैश्विक सुविधा पर आ प्रोजेक्ट आपवानी नेम राखवामां आवी छे। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले शुक्रवार थराद नजीक आ 6 लेन मार्ग निर्माण साइटनी मुलाकात करी हती। बनासकांठाना प्रभारी गजेंद्र सिंह परमार, संसद सभ्य परबतभाई पटेल, प्रदेश महामंत्री ने पूर्व मंत्री रजनीभाई पटेल तथा बनासकांठा जिला वहीवटीतंत्र ने नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ना वरिष्ठ अधिकारीओ साथे राखीने विगतो मेळववामां आवी हती। आम गुजरात सरकार द्वारा, गुजरातना मुख्यमंत्री द्वारा गुजरात में चाली रहेला विकास कामों लोकार्पणनी साथे साथे निरीक्षण करवानुं कार्य शरू करी देवामां आव्युं छे। जे कामों चालू होय तेनुं निरीक्षण ने समीक्षा करवामां आवी रही छे। आवनार 2022 विधानसभानी जे चूंटणी योजावानी छे जेनी पूर्व तैयारीना भागरूपे संगठन मजबूत बने, सौनो साथ सौनो विश्वास व्यक्त करवा माटे आ मुलाकातनो दौर गोठवाई रह्यो छे, जेमां 3 जेटला जिल्लाओनो एक साथे मुलाकात करवामां आवी हती गुजरातना मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल द्वारा। सौनो साथ सौनो विकास सौनो विश्वास संपादन करवानो प्रयास करवामां आवी रह्यो छे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा त्यारे मुख्यमंत्री पण विविध जिल्लाओनी मुलाकात करी, समीक्षा बैठकों करी, संगठन ने मजबूत बनावा, सौनो साथ, सौनो विकास ने सौनो विश्वास संपादन करी अने जीतनो जे प्रधानमंत्री द्वारा जीतनो मंत्र आपवामां आव्यो छे ते मंत्रने साकार करवानो प्रयास करवामां आवी रह्यो छे। देशभरना राष्ट्रीय दलना सभ्यो सदस्यों जे राजकीय नेताओनी एक बैठक योजाई हती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी साथे अने आ बैठकमां तमामने मंत्र आपवामां आव्यो हतो, सौनो साथ, सौनो विकास, सौनो विश्वास प्रदान करी अने जीतनो मंत्र આપવામાં આવ્યો હતો। આમ 2022ની ચૂંટણી જીતવા માટેના એડી ચોટીનું જોર લગાવવા માટે હવે રાજકીય પાર્ટીઓ પ્રયાસ કરી રહી છે। તેના ભાગરૂપે વિવિધ જિલ્લાઓની